गरीब से अमीर होने के साथ वास्तु टिप्स। अमीर बनने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, सेविंग करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, फिर भी हमें मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि कितनी भी मेहनत हम क्यों ना कर ले, हम अमीर नहीं बन सकते। इसकी वजह आपको मालूम है क्या? अक्सर लोग अपने किस्मत को दोष देते हुए नजर आते हैं, अपने भाग्य को कोसते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पीछे शनि के वक्र दृष्टि पड़ी है या शनि उनके किस्मत के बीच आ रहा है। उसके लिए लोग शनि की शांति भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें दोष शनि का नहीं, आपके घर में रहने वाली ऊर्जा का है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम जहां पर भी अपना ज्यादा समय गुजारते हैं, उस जगह की एनर्जी हम में बस जाती है। फिर चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको अपने घर में तलाश करनी होगी कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में बाधा बना रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? जो भी चीजें आपको नेगेटिव फील करवा रही है, उन चीजों को आज ही घर से बाहर निकाल दे। यह चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैला देती है और इसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं, घर में सारे सदस्यों पर पड़ता है। ऐसी चीजें घर में होने से पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद होते हुए दिखाई देते हैं। आपको घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन में है। वास्तु शास्त्र संबंधित और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जानकारी आपसे मिस न हो, इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। अब जानते हैं कि उन चीजों के बारे में जो आपको गरीब से अमीर बना सकती है। वास्तु शास्त्र अनुसार आपको घर में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा होने वाले सिक्के अपने तिजोरी में रखने चाहिए। आपको अपने तिजोरी और अलमारी जहां पर भी आप पैसे को रखते हो, वहां पर आपको यह तीन तांबे के सिक्के रखने चाहिए। दिवाली, होली, शिवरात्रि में इन सिक्कों की पूजा करके रखना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। वास्तु को ठीक करने के लिए आपको घर में श्री यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र आपके घर की वास्तु स्थिति सही करता है, आपको शांत करता है, आपको एकाग्र करता है। इससे आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाता है। घर में लगाए घोड़े की तस्वीर। घर में सुख समृद्धि के लिए आपको घर के दक्षिण दिशा में घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाना काफी शुभ माना जाता है। आपके घर में झाड़ू का भी बड़ा महत्व है। आपको घर में झाड़ू को किस तरह से रखना है, घर में झाड़ू के वजह से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। घर में झाड़ू इस तरह से रखे कि किसी की भी नजर उस पे ना पड़े। झाड़ू पर कभी भी वजनदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी पटक कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू यह एक ऐसी चीज है जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है। आपके पास धन ना होने का एक और कारण है सुबह जल्दी ना उठना। हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इस चीज पर हमेशा ध्यान दिया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद भी बिस्तर में सोते रहना घर में रोगों को बढ़ावा देता है। अगर आपको अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त करना है, तो सूर्योदय से पहले उठे। अगर आपको घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाना है, तो आपको घर के मुख्य द्वार पर ओम की आकृति लगानी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसे घर में लगाने से घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती। इस आकृति को रोज धूप और दीपक दिखाने से आपके घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण को हमेशा ऊंचा रखें। इस दिशा में हमेशा भारी सामान रखना शुभ माना जाता है, जैसे कि अलमारी। इससे भाग्य बलवान होता है और धन में वृद्धि होती है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।